यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और पिछले हफ्ते का पॉडकास्ट क्यों नहीं करे तुम लोगों ने? वैसे तुम बता दो। देखो मेरा जो है ना थोड़ा बिजी था। मैं बंदे के पीरियड से चालू हो गए थे ऐसा बोल सकते हो। मेरे के बाद तो हफ्ता चालू हुआ। कैसा बंदा है यार ये गंदा बंदा। इसके बाद एक हफ्ते बाद पॉडकास्ट आया ना। अच्छा चलो ठीक है, कुछ भी हुआ होगा। तुम लोग कांगड़ मरा रहे थे। मैंने तुमको बोला था पहले ही कि तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं। मेरे पीरियड्स नहीं, मैं तुम बच्चा पैदा कर रहे फंक्शन था वो टाइम पे। तुम्हारा बच्चा पैदा हो रहा, तुम्हारा बच्चा पैदा हो रहा इस चीज का फंक्शन था। तुम्हारा बच्चा पैदा हो रहा तुम्हारे अंदर से खींच के निकाल रहे उसका फंक्शन था, सेलिब्रेशन था। अनवर का बच्चा, ओमेगा का बच्चा। मादारों को कोई सीरियस नहीं लेगा। गिनती लिख कर देता हूँ। इतनी इलॉजिकल बात है। तुम नीट देना लेते ना, नीट देना, सॉरी दे दिया ना भाई। तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। देखो गाइस, बाजू में स्विली लेके खड़े वाला रहता ना। मेरे को 500 मार्क्स आ रहे हैं नीट में, जो कम नहीं होते। इस अनपढ़ गवार बीसीए स्टूडेंट को क्या ही पता होगा। मजबूरी रहती। इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहा ना तुम्हारे जैसा। अरे तुम मर्द को पीरियड आते, ये बड़ा लॉजिकल है। हाँ 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 भाई, तुम बवासीर है। मैं वो बोले की तू मर दे। मुझे बवासीर तो मैंने कब बोला ओमेगा मर दे। मुझे लगा कि मादरा को बवासीर होगा, खून उसमें भी निकलता। तुमने पीरियड्स बोले खून निकलता बोले। हाँ जो भी है, चलो घुमा फिरा के पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है तो पहले सब बिजी थे। हाँ सबके सब बिजी थे। ये इटाची श्रीसुई तो काम के है नहीं, अपन दोनों ही काम के, तो अपन दोनों बिजी थे। देखो मैं तो फ्री रहता कभी भी, ऑब्वियस ही बात है। देखो जाके एक पॉडकास्ट करो बोलूंगा तो नहीं, वो टाइम पे काम आ जाता। हाँ तो अब कहानी सुनाएंगे हम कि मैं कैसे लुट गया। सारे ट्रिप पे लेके गए और लालू लूट लिया मेरे को। अरे पहाड़ों पे लेके गए। अभी मत बोलो, शायद से ब्लॉग तुम अभी डाल देंगे शायद ना। अरे ब्लॉग का एडिट स्टार्ट भी नहीं करा मैं अभी। स्टार्ट कर दो। आओ ये हफ्ते डालना सोच रहा हूं मैं। ये हफ्ते को डाल देंगे। जो रे तो अभी आया वाला है। आओ नया नया टॉपिक रहना तो अच्छा दिखता। हां तो ट्रिप की स्टोरी ये पॉडकास्ट में करना है या वो ब्लॉग अपलोड होने के बाद? हाई बनाने का ऐसे ट्रेलर टाइप बोल लेंगे मतलब थोड़ा थोड़ा। हां तो लोगों को स्टोरी टाइम्स हमेशा से पसंद आने वाली है। किसी किसी को ज्यादा व्यूज इससे चाहते हैं। इताची ब्रो तुम कुछ बोल रहे हो? हां इताची मतलब युग का बड़ा भाई। अच्छा अच्छा वो वाला। हां हां तो एक सेकंड को पानी पीने दो। गो 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 गो। नहीं नहीं मैं तुम्हारी तरह सीमन नहीं पीता। तुम्हारी तरह सीमन नहीं पीता मैं। सीमन सीमन नहीं साले, ये यही तो होता है। ये अनपढ़ चौदे साले एनीमे देख लेते ब्रो। अंकल को देखो नंगे पे क्या ले रहा। कम का इंग्लिश वर्ड नहीं पता होता इनको, एनीमे के चौदे साले। हाँ तो मैं ये बोल रहा था तो तुम शुरू करो, हम गए कहाँ। देखो प्लान मेरा था, मैं बहुत दिनों से सबको बोल रहा था कि मतलब मैं भेंचन मैं मर रहा था कि घूमने चलते हैं कहीं महाबलेश्वर वगैरह। प्लान कौन ने बनाया था? सबसे पहले तो मैं बोला किसने था ये बंदा। देखो मैं हैदराबाद को जाने के टाइम पे भी ये लोगों को बोला था, मगर ऑलरेडी मादारा ने उससे पहले मुंबई जाकर आ गया वाला था। एक सेकंड, ये कब हुआ? हैदराबाद मतलब ये पिछले साल की बात है ये। उसके बाद हाँ देखो बता ना। मैंने इनको बहुत बड़ा धोखा दिया। धोखा भी दिया, एक तो छूटी धोखा दिया लौड़े। देखो बिना बोले हैदराबाद भाग गया ये बंदा, पूछा तक नहीं मुझे। जाने के सिर्फ ट्रेन में बैठने के बाद स्नैप डाल रहा है मुझे। वो बना भी प्लान अचानक था ना। हाँ तो साले अचानक में लोग तो आ गए, मैं नहीं आया। अचानक में अगर मौत हो जाती तो नहीं तो जाके तो आ गए ना ट्रिप में। खुशी खुशी मेरे को लूट लिए। 200 रुपए साले देख किसके लूट। 200 रुपए बच्चे, 300 तुमने 100 रुपए उधारी रिटर्न नहीं करे। गांड नहीं मार लूंगा मैं तेरी। हाँ तो प्लान ऐसा बना था कि हम लोग सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे हमारी सिटी से निकलेंगे। और पहले वो हैदराबाद का बोल देना ठीक है वो पहले की बात। हाँ तो डायरेक्ट इधर आए तो वो पहले की बात। नहीं वो पहले की बात को छोड़ दो, वो पहले की बात हुई। हाँ पहले की उस पे वैसे भी व्लॉग आने वाला नहीं है। सुनो वो था, देखो मेरा प्लान था बाहर या तो कहाँ तो भी ट्रिप करेंगे अपन।
तो वो टाइम पे तो हमारा हुआ नहीं, हुआ नहीं, मेरा हो गया ये हमारा प्लान था, मगर वो मेरी वजह से थोड़ा कैंसिल हो गया। कैंसल नहीं हुआ, ये बंदा हमें चूतिया बना के चला गया। तो अगले साल और जाएंगे ना, लॉक करेंगे वो टाइम पे, वो टाइम मुंबई तेरे को छत पे फेंक दूंगा मैं। और दूसरे दिन बंदा मैसेज कर रहा कि नहीं ब्रो सॉरी मैं आ गया। हाँ नहीं 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 रहता हूँ, सॉरी भी नहीं बोला मैंने, इटाचमाको नहीं बोला, मुझे नहीं बोला, मैंने इटाची को बोला हुआ, वो बोला था भाई बंदे ने स्नैप देख के कागे वाले भाई कब तक घर चलाते मेरी बोलो फिर के। मैं अरे मैं लिटरली मैं गया था मेरे नानी के यहाँ। हां वो बंदा ना मैं जब गया था तो मैं तो घर पे था ना। नहीं नहीं मैं जब गया था ना अपने प्लान से 4 दिन पहले गया था मैं। ये तो पॉइंट नोट करो ना, मैंने बोला था तुम एक दिन रुक जाना था मैं आ जाता था। सुनो सुनो सुनो, तुम गए थे सुबह के टाइम पे, मैं रात में गया था उस दिन। और तुम बोले थे तुम कहाँ जा रहे हो बोल के। अपन ना प्लान था 16 तारीख का, 16 तारीख और मैं गया था 12 को मादार आका। अपना प्लान नहीं था अपना, देखो नहीं वो अप्रैल की तारीख थी, वो अप्रैल की तारीख मतलब अप्रैल की 18-17 तारीख को मैं गया था हैदराबाद। तो हम लोगों का पहले से प्लान था कि मई की 16 या तो 15 तारीख को जाने का था हम लोग। और ये बंदा अप्रैल में निकल लिया, मादारा का नीट का एग्जाम है ना जब खत्म होने वाला था, कुछ थे पर्सनल रीजन से जाना पड़ा। दोस्तों दूसरे दोस्तों के साथ निकल गया पर्सनल रीजन से। नहीं 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 मैं जाने का मूड भी नहीं था वैसे, फिर भी मगर ऐसा कि मैं उनको इनसे पहले बोल के रखे आला था कि यहां पे अगर तुम लोग सुधु मिनो तो जिमारी का हमारा जो व्लॉग है उसमें हमारा एक और फ्रेंड है जो आया था उसके साथ निकल गया ये हराम। देखो गया नहीं, वो लोग मेरे पास आए, वो लोग मेरे को गाली देकर लेके गए। हां तो हमें एक कॉल कर देता हम भी गालियां देते। हां नहीं नहीं नेक्स्ट ईयर या तो मतलब कुछ सेकंड सेमेस्टर में पक्का जाएंगे अपन लोग। फर्स्ट सेमेस्टर की छुट्टियां मतलब हमारे क्या बोलते मंथ बोल दो, मंथ बता दो, यानी कि 6 महीने बाद दिसंबर में बोलना साले सीधा। हाँ दिसंबर, अब देखेंगे ना, अब ये क्या बारिश की भी छुट्टियां मिलेंगे शायद ना। बारिश में ज्यादा नहीं होता ब्रो। नहीं मादारा देखो बारिश की पहली बार तो छुट्टियां अभी तो नहीं होता, जो भी है जब का तब का तब देखा जाएगा। तो बहुत अच्छा, अभी अपन आते हैं अभी की ट्रिप पे। तो जो हम लोग क्या कब गए थे अपन 28 मई को कुछ गए थे शायद, एक सेकंड नहीं एक संडे हो गया ये ट्रिप इससे पहले वाले संडे। ट्रिप का प्लान बना था उसी रात से पहले, किस रात से पहले अपन ने फ्राइडे के दिन मैंने कुछ ये लोगों को एक हफ्ता पहले बोला था मंडे के दिन चल रहा है और मैं हमारा एक फ्रेंड है अपन 26 तो, को गए थे 26 मई को। हाँ ये पॉडकास्ट अभी आएगा 4-5 जुलाई को, तो एक ही हफ्ता होगा ना बीच में, एक वीक हुआ मतलब। हाँ तो मैं इताची और एक हमारा फ्रेंड है उसका नाम हम अभी तुझी रखेंगे। यार नाम मत रखो, दो फ्रेंड है बात खत्म करो यार, फ्रेंड समझ लो। उसके साथ हम मैं और था सॉरी इताची बैठे वाले थे बात करते हम लोगों का मतलब। एक सेकंड वो हमारे साथ ये, हाँ। ये एक सेकंड ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जितना मुझे याद है मेरा बर्थडे था, अपन चारों शिशुई के साथ कार में बैठे हुए थे, तुमने बोले कि चलो कल जाकर आएंगे। मैं तो उससे पहले हम लोगों ने मैंने इन दोनों को बोला कि चलो ये संडे को जाएंगे, ये संडे किसका भी नहीं हुआ था, हम तुम्हारा को बोलने वाले थे वैसे भी बोला नहीं था, मगर पैदा हो गया था वो टाइम पे भी किसी का मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, सबके सब बिजी थे वो टाइम पे। तो मादारा के बर्थडे के टाइम पे हम लोगों ने मतलब फिर प्लान बनाया बोल के ठीक है, वो टाइम पे भी सब ठीक है बोले। फिर उसके 2-3 दिन बाद मतलब जब जाने के दिन है ना नजदीक आ रहे वो टाइम पे हम लोग नजदीक आ रहे ट्रिप को जाने के दिन। हाँ। मेरा बर्थडे आया था फ्राइडे को, मुझे इस प्लान का पता चला, फिर सैटरडे को शाम में बैठ के अपन ने डिस्कस किया कि कैसा जाना है कहाँ जाना है, और संडे को निकल के चले गए हम। जाने के दिन नजदीक आ रहे थे, नहीं तो मूवी नहीं बना रहा तू कोई सिनेमैटिक कैसे हो मेरा की गांड मारी गई पहाड़ों पे पहाड़ी घोड़े की जगह। चलो हम लोगों का ये था नहीं, नहीं, नहीं। बन गया वहाँ पे मेन चीज, सबसे मेन अट्रैक्शन क्या था पता है, मैंने पहाड़ी घोड़े की जगह पहाड़ी लौड़े देखे चार बड़े बड़े मुंह में से पानी आ गया मुझे मादर बोला था ये बंदे की फेटिश बहुत अलग है बहुत गंदा
पहाड़ी लौड़े कार में फिर कैसे पीछे पीछे तो तुम तीनों बैठे वाले थे ना, कार तो मैं ड्राइव कर रहा था। कितनी मुश्किल है पैदा हुआ, मेरे पास लाइसेंस है समझेंगे किसी को फर्क। और बाय द वे मुझे ऐसे लिखना आता है, बाय द वे मुझे ऐसे लिखना है, वैसे तो मैं 18 प्लस है ब्रो, फर्क नहीं पड़ता ऐसे लिखना फिर भी आता है। 400 वर्ड लिख लूंगा, पहले नीट दे रहा हूँ ना, 400 वर्ड लिख लूंगा, एक 100 वर्ड तो नीट पे भी लिख दूंगा। हाँ तो प्लान हमारा ऐसा बना था कि हम लोग जो है सुबह 5 बजे उठेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाकर निकल जाएंगे, 6 बजे तक, 6 बजे सिटी से निकलने का प्लान था। 5 बजे उठेंगे ये वो कुछ नहीं प्लान था, 6 बजे तक बंदे निकलना रहना है। हाँ। और हमारे बंदे आ रहे हैं कब, 7 बजे हम सिटी के फोन कर रहा कि ब्रो सॉरी मैं सो रहा था। अभी हम माता रानी सुबह सुबह मतलब 5:30 को मेरे को कॉल किया, मैं ऑलरेडी तैयार होना मतलब होने जा रहा था, मतलब अपन तीनों को छोड़ के जो 2 बंदे हैं वो टाइम पे खड़े वाले थे, तीनों नहीं मैं भी अलग, मैं अपन तीनों ना, मैं कुछ अपन तीनों टाइम पे थे, मैं कुछ मेरे काम में बिजी था रात में जो लेट सोया था मैं। देखो सोने का छोड़ दो, उठने की बात, यू नो इताची का बहुत बड़ा सा चौड़ा मतलब सॉरी फैला फैला सा वाला बिजनेस है, फैला हुआ बिजनेस थोड़ा सा, कामों में बिजी था वो। अगले दिन ट्रिप का पैसा वहीं से लेके आया था। देखो 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, एक कस्टमर करके आता हूँ। तो 6 बजे का प्लान था, 7 बजे हम सिटी से निकल रहे। अभी मैं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा फ्रेंड्स के साथ निकला था, तो पापा ने एक कॉल किया कि कहाँ तक पहुँचे, अभी उनको कैसे बताओ इन कि 6 बजे, 1 घंटा तो हम बस कॉल कर रहे हैं, रिचार्ज खत्म कर रहे हैं। गली के सामने के पापा का कॉल आया, मैं मेरे घर के गली के सामने, क्योंकि वहाँ से सिटी से बाहर जाने का रास्ता है। अभी पापा को कैसे बोलूँ कि खिड़की में आओ, हाई कर दूंगा। पापा बोल रहे घर पे आ जा काम है। जाके सब्जी लेके आज सुबह उठ गया। अभी निकले हम लोग और रास्ते से मैगी, अभी रास्ते में रुक रुक के मैगी बनानी है हमें पहाड़ों पे। नहीं रास्ते में से पहली बार तो वो लोग आए इतनी लेट। हाँ और उनको और उन्होंने जो उनको जो सामान लाना था वो ही लेके नहीं आए। देखो 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 वो लोग हम लोगों का एक एक मतलब जॉब दिया ली थी, एक एक काम, एक एक मतलब चीज कैरी करो तुम, यानी कि मतलब माधा राम ने प्लेट्स लेके आया था और इताची ने बगोना, बगोने क्या बोलते हैं, यूटेंसिल्स। अरे इंडिया में रहते हैं अपन, थोड़ी अमेरिकन लोग बना रहे, महाराष्ट्र में बोलते बगोना बस हो गया। देखो जिसमें पैन समझ लो, एक तरह का पैन नहीं यार, कढ़ाई। हाँ कढ़ाई, हाँ वही एक हिसाब से कढ़ाई बोलते सब। हाँ तो देखो फिलहाल हम लोग महाराष्ट्र ने पतीला भी फिलहाल तो अलग रहता ना, अरे जो भी रहता है, चलो 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 जिसमें मैगी बन सकती थी। हाँ जिसमें मैगी बन सकती तो वो इतना अच्छा नहीं लगा। एक बंदे को हमने फॉक्स लॉ बोला था, वो लेके आए कांटे वाले, जिसको उन्हें मालूम कांटे वाले चमचे जिससे नूडल्स खाते। अरे यार इतने गवार लोग नहीं रहते। और एक को हमने बोले थे पानी वाला कैन लाओ। नहीं देखो वो भाड़े ने कुछ नहीं लेके आया, एक वाटर कैन मतलब बाकी के मतलब सब्जी और मसाले स्पाइसेस और क्या बोलते ऑयल तेल। हाँ और ये सबसे मेन बात नोटिस करो, जो बंदे को सबसे ज्यादा आइटम लाने को बोले ना वो बंदा, सुनो सुनो सुनो, एक रात पहले हम लोग मतलब मादारा चल गया था घर पे, क्यों बोले तो उसके घर से कॉल आया था वो टाइम पे, हम लोग अभी घर पे गए रात के 12 बजे, वो बंदे ने 12 बजे अपन 12:30 को घर पे आए थे, आधे घंटे के आस निकले थे, 1 बजे था। हाँ 1 बजे वो 12 बजे है ना, हमारे जो दूसरा दोस्त है ना उसका कॉल आया, हम लोग टोटल 5 लोग मिल के गए थे, तो पहला दोस्त वो अलग, ये दूसरा दोस्त है, दोस्त टू बोलेंगे हम इसको, दोस्त टू चलो। तो दोस्त टू का हमारे कॉल आया, वो बंदा है देखो बिजनेस वाला, धंधे वाला है, दिन भर बिजी रहता, धंधे वाला है वो बंदा, मतलब वो बंदे की मतलब क्लॉज धंधा है उसका, मतलब उसकी क्लॉज की शॉप है वो, मेरे कोठे पे बैठता है साड़ी वाली, मेरे ही कोठे पे बैठता है वो कोठा, अगर गलती से उसने मतलब बोला कि मतलब आओ अब कल की प्लानिंग करेंगे हम लोग, सोने के टाइम पे मतलब
सुबह उठना है भाई 5 बजे और प्लानिंग प्लानिंग हो चुकी थी, उसको कॉल पे बोल भी देते हमने। अब वो बंदा फेस टू फेस बात करने आया था हाँ कि करना क्या है वापस से। तो हम 1 बजे एक जगह क्या बोल सकते जिधर पुलिस घूम रही आसपास हाँ वहाँ ठहर के हम बातें कर रही। और हमारे देखो महाराष्ट्र में एक ही बोले 10 बज गए तुम हैदराबाद में भी। मैं अभी कुछ दिन पहले फैमिली के साथ हैदराबाद होके आया, वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा हमको हाँ कि 11 बजे क्यों निकल रहे बाहर। तो हम लोगों ने बोला कि अभी ट्रेन सर इतना लेट आई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लॉज पे ही जा रहे हैं। तो आपको अगर हमारे 11 बजे निकलने से प्रॉब्लम है तो बोलो रेलवे वालों को कि 11 बजे की ट्रेन बंद करे। सीधा सीधा समझ लो एक प्रॉब्लम है, लिमिट है हमारे पास। तो 10 बजे मतलब हमारा पूरा सिटी है ना बंद हो जाता है एक तरह से, पूरे 10 बजे तक पूरे शॉप्स वो सब बंद हो जाते। तो हम लोग वैसे ही इलाके में बैठा ले जहाँ पे सबसे ज्यादा पुलिस वाले आते, सबसे ज्यादा पुलिस की राउंड होती और बहुत मारते हाँ बहुत मारते। तो हम लोग बैठे वाले अब वो प्लान बना, वो बंदे ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं करूंगा, मैं अरेंजमेंट करूंगा। जैसे तुम एनिमे कल्चर का हमेशा बोलते थंबनेल हाँ ब्रो बना ले तू बना ले तू, फिर किसको बनाना पड़ता है मुझे। सुनो सुनो यहाँ पे बंटवारा नहीं चल रहा, बैठो यहाँ पे फैमिली फंक्शन बात बात रोने मत करो। तो वो बंदा एकदम कॉन्फिडेंसली भाई मैं लाऊंगा भाई, मैं बोला देखो अब रात हो गई अब सुबह में मिल सकता है कि नहीं, क्यों बोले तो हमारे 6 बजे निकलना था, वो टाइम तक हमारे यहाँ पे शॉप्स ये हो गए प्लान हो गए ये कोई भी चालू नहीं रहता। तो वो बंदे ने बोला नहीं मेरे घर के पास पूरा हो जाता मतलब चालू हो जाता, नहीं तो मैं मेरे घर पे से लाता बोल के ऐसा कहा था उसने। हम लोग बोले ठीक है ठीक है, हम लोग सामने कॉन्फिडेंटली बोल रहा बंदे कि हाँ मैं ला रू। तुम भी मेरे साथ ऐसे करते नहीं, तुम्हारे तो वो पहले से दे दे हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना और चुतिया बनाना अलग चीज है। तो वही और एक तरह से दूसरे दिन ने धोखा दे दिया बहुत बड़ा वाला। तो अब हम 7 बजे 15 मिनट पहले बंदे का फोन आ रहा कि मैं और वही बंदे ने मेरे को बोला था भाई तुम लोगों को 5 बजे कॉल करूंगा कि मतलब तुम जब जाग जाना। वही बंदा सबसे लास्ट में आया जब 7 बजने के करीब आ गया और सबसे लास्ट में आगे क्या बोल रहा हूँ बहुत ही जल्दी जा रहे हैं। वो तो छोड़ो हम लोग कार में है ना वेट कर रहे हो बंदे अब निकलेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उन्हें वेट करा रहा, अगर पहले से बोल देता भैया 8 बजे निकलेंगे हम 1 घंटा सो लेते हो। अब वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल के अरे 5 बजे निकल जाएंगे और फिर आ कब रहा है 7 बजे और वो बंदा जिधर से निकलना वो छोड़ के वो कहीं और से निकला। नहीं मतलब कहीं और ठहरे दो तरह के नहीं हुआ ऐसा कि अभी टाइम हो गया 6:30-7 बजने को आ गया, हमने उसको कॉल किया उसने बोला हाँ अभी निकल रहा हूँ। हम ये ओमेगा के घर के सामने उसके कार में बैठे, अभी हमने उसको बोला नहीं हम उसके घर के सामने आ गए, वो ओमेगा के घर के सामने आ गया और वो बोल रहा तुम लोग का अब फिर हमने रियलाइज किया ओ शिट इसको तो बता नहीं बोल रहे बेचारे, हम वो बंदे की चिंता कर रहे अरे भाई उसके पास बहुत ज्यादा सामान है हमें फिर और वहां जाना पड़ेगा क्योंकि तो वो वापस नहीं आ पाएगा। हमने ऐसा सोचा कि अभी वो बाइक लेकर आएगा तो बाइक को मतलब पार्किंग में प्रॉब्लम ही होगा घर के सामने, प्रॉब्लम नहीं वो बंदे के साथ पानी का कैन है उसके पास सब्जी है ये जस्ट हमारी सामान है। अभी वो बंदा सामने से आ रहा है खाली हाथ तो रास्ते से ले लेंगे ना भाई वो डायरेक्ट बोल रहे अरे यार और वो बंदा आया भी थोड़ा एरिया की दुकान बंद है बाजू की सीट खोला और बोला तू उतर यहाँ से, मेरे को धक्के मार के उतार दिया बेंच स्टोन पेपर से तब क्या हार गया मैं नहीं नहीं देखो फिर मैच हुआ था ये बंदा हारा ये बंदा 2 बार हारा एक पीछे था वो आगे के साथ बैठने में भी हारा है वो आगे बोलेंगे हाँ। तो वही चीज अब वो ला रहा नहीं हम लोगों ने उसको गालियां देना चालू कर दिया अपने फ्रेंड के लौटे और 15 मिनट हम वहाँ गालियां दिए उसको ये नहीं वो नहीं। और हमारे सिटी में लोग उतनी सुबह नहीं उठते मतलब, कोई सिटी में नहीं उठते जनरली ये समझो मतलब, तुम जाने सुबह सुबह 6-7 लौंडे मिलके एक लौंडे को कार में से गालियां दे रहे तो अब हम लोग हमारे सिटी में यहाँ का मतलब यहाँ जहाँ पे हमको मालूम था कि यहाँ वाटर प्लांट सिप्जी तो मतलब रास्ते में से भी ले सकते थे कि बोले तो वो टाइम पे वाटर प्लांट का ऐसा था कि वहाँ पे हम लोगों को कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा कैन ले जाने के लिए क्योंकि हम खरीद नहीं रहे।
तो कैश डिपॉजिट करना मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि हम वो वापस 500 रुपीस मांग रहा था कि नहीं सुनो हम अपन वापस आ रहे, वो वाटर प्लांट बंद हो गया उसी टाइम पे, थोड़ा एक आधे घंटे के लिए ट्रस्ट होना उसको, अपने पे ट्रस्ट होना। देखो भाई, थोड़ा इशू जिम्मेदारी बंदे ने लिया था, पैसे भी वही देगा। तूने ये भी किया था मेरे साथ, वहां पे तो हमने ओपनली बोल लिया भाई जिम्मेदारी तूने लिया था, तू ही 500 रुपए देगा। वो बंदे ने दिया भी तो वही हमारी धंधे वाला है ना धंधे वाला है ना वही ट्रिप निकल गई हमारी, ट्रिप निकल गई। रास्ते में रुक के थोड़ा सब्जी वगैरह ले ली हमने, अच्छी खासी लॉन्ग ड्राइव। और फिर हम लोग गलियों में से पहाड़ ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। नहीं देखो, हम लोग का क्या हमारा प्लान ही था कि हम लोग ट्रैकिंग को जाना है। अब वो ट्रैकिंग वाले तो एक लोकेशन मेरे को मालूम थी, मगर हमारा नंबर टू वाला दोस्त ने बोला नहीं अपन दूसरे पहाड़ देखेंगे। मेरे को ये भी पता है ये कहाँ है, चलो यहाँ पे। और एक ही बंदा घंटा मार रहा है आधे रास्ते के बाद, कह रहा है जाना कहाँ है। रुको रुको, ये थी गली, हवा को पूछ रहा हम पीछे बैठ के। मैं तो निकला भी नहीं कभी फ्रेंड्स के साथ पहाड़ ट्रैकिंग पे, और हम बाहर ये देख रहे कि यहाँ के लोग अगर देख लिए अनजान लोग है तो ये तो हम कार में मारेंगे। तो जब ये घुमा फिरा के हम पहाड़ पे पहुंचे, ऊपर गए, वहाँ पे काफी सारा शूट, वीडियो शूट के फोटोज लिए, बकचोदी की। टोटल देखो हम लोग दो पहाड़ों पे ट्रैकिंग में मजा आता है। एक उसके अंदर हम लोगों ने ट्रैकिंग करी है, मतलब एक्सप्लोर कर लिया पूरा, फिर दूसरे पहाड़ पे जाके वहाँ पे ना ब्रेकफास्ट करे, मैगी बनाई जो बहुत अच्छा लगा, आप उन सब ने मिलके बनाए। तो व्लॉग आ जाएगा आपके पास वैसे भी। और रिटर्न में क्या, रिटर्न में हम लोग उस व्लॉग में नहीं डाले, नहीं रिटर्न में एक स्विमिंग पूल पे गए थे। स्विमिंग पूल के बाद गांड फट गई सबकी, क्योंकि हम बोले तो हम नारे देखो अभी दोपहर समर चल रहा। हाँ। और अभी हीट वेव वाला समर चल रहा। दोपहर के 3 बजे हैं, मेरे फोन में फटने वाला था, नोटिफिकेशन आ गया था, फोन स्विच ऑफ थे। बस दोस्त एक दोस्त के छोड़ के, पहला जो दोस्त था उसने टॉवल में फोन लपेट के, पैंट ऊपर लपेट के बैग के अंदर रखा। अब हम लोगों ने मतलब उतना सोचा नहीं, हमने बैग के अंदर डाल लिया और बंद करके। और एक फैक्ट नोटिस करो, उसका फोन है पोको का। ब्रो लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैंने मेरा फोन हाथ में लिया, अगर अपन एक दो घंटे लेट फोटोज कैसे मेरा फोन निकाले थे ना, वो टाइम में तो तुम्हारा को ऐसा कुछ गरम नहीं दिखा था। हां क्योंकि वो टाइम पे उतना दोपहर की धूप हिट नहीं करी थी। अपन स्विमिंग पूल को अराउंड 11-12 के आसपास पहुंच गए थे। नहीं अपन जब निकलते टाइम है ना 12:30 रहे थे। नहीं वहां से पूल से निकलते तो अपन 12 बजे निकले थे अपन वहां से। 12:30 को अपन पूल गए थे। अभी वहां पे मतलब मैंने 1 बजे फोटोज लिए होंगे, तब तक उतनी धूप भी नहीं थी और गर्म हुआ भी नहीं था, तभी रखा था अपन ने वो टाइम पे ना थोड़ा क्लाउडी मौसम था। तूने फोटोज लिए थे? अभी मेरे हाथ पे पानी लगा है, उसको पोंछने के लिए भी कहीं जगह नहीं है। अब पानी के हाथ से मैं फोन को टच करूंगा तो उसका कैमरा शटर वो हो रहा है। अब ऊपर से इसका आईफोन ढंडू फोन एक नंबर का लोड़ा फोन तुम्हारा अच्छे से लेने नहीं आने वाला। तुम बैग के पास गए, झुको, तुम्हारा दिखाता हूँ कितने अच्छे से लेने आती हो मुझे। ब्रो ये बस ये चीजों में आगे ब्रो लेने में तो बहुत आगे, बंदे को इसलिए डॉक्टर बनना। हाँ जो भी है तो हाँ आगे हुआ ये कि सेक्सोलॉजिस्ट। अगर अपन आधा एक घंटा और सच्ची अगर आधा एक घंटा और रुकते ना तो फोन फटना फट सकता था। उसके अंदर टोटल मेरे फोन में 3 वार्निंग आ गए, उसमें 4 दो मतलब मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया उसकी। और तुम लोगों को पता होगा कि गर्मी ऐसा मतलब बहुत हीट हो रहा फोन। हाँ। तो बैटरी ड्रेन होती। हाँ। मेरी 60% से 19% पे रह गई थी। अरे तो वो छोड़ो, मेरा तो मतलब 63 से 2% मतलब हीट वन है तो स्विच ऑफ हो जाता ऑटोमेटिकली। आईफोन में ऐसा है, सब फोनों में है भाई, स्विच ऑफ हो जाता। हाँ। दो वो तीन वो देखे, पहला आया होगा दूसरा आएगा जब अपन ने निकाले थे ना, ओनर आएगा कि नहीं आएगा, एरोप्लेन मोड सब चालू कर दो। नहीं मगर हाथ में लेने का उसमें ऑमलेट बना सकते थे, इतना तो गर्म होगा। हाँ। मेरे हाथ जल रहे थे। तो आगे सुनते हैं, आगे चल बढ़ाते स्टोरी को। तो हुआ ये कि अब हम लोग
दो ढाई घंटे स्विमिंग की है हमने एक पूरा पानी में। और देखो पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना, ऐसा क्या थक गया, पहाड़ चढ़ के आए क्या? हम चढ़ के आए थे पहाड़ पे था। अरे वो तो तुम छोड़ो, तुम पहाड़ चढ़ के आए इतनी गर्मी में और उसके बाद स्विमिंग पूल में दो तीन घंटे स्विमिंग की, और वो भी खाली हम लोगों ने खाने में क्या खाया, मैगी मैगी मैगी। और मैगी का कितना कॉन्फिडेंस इतनी कम पड़ेगी, तो हम लोगों ने कम से कम 12 पैकेट्स ले लिए 10 रुपए वाली मैगी के। कोई खाया भी नहीं उसको उतना। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ी बच गई थी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। लेकिन हाँ आगे हुआ ये कि अब इसके कार का एसी मतलब काम कर रहा है, लेकिन धूप भाई ऐसी है कि एसी फील है। अरे नहीं एसी का क्या सीन था भाई, देखो मेरे गाड़ी में मेरी गाड़ी है 2014 का मॉडल, उसके अंदर ये नहीं आया कि एक सेकंड में तुम्हारा पूरा गाड़ी ठंडी हो जाना, उसको थोड़ा टाइम लगता है। ये और लोग हम क्या लोग मर रहे हैं। हाँ गाड़ी वैसे तो देखो इताची और मैं सबसे पहले गाड़ी के अंदर आए थे, वो टाइम पे चिल हो गया। हाँ वो टाइम पे चिल हो गया था पूरा, गाड़ी ठंडी हो गई थी। फिर दोस्त ने गांडू ने आके फ्रंट सीट पे से दरवाजा खोल के मस्त अंदर बात कर रहे हैं खड़े रह के बाहर। वही ना वही ना, हम लोगों ने हमारे फोन कैसे ठंडे करे, एसी के सामने रख दिए, एसी के सामने रख के हिला रहे फोन को, एसी के सामने रख के हिला रहे, कैसे गंदे लोग यार। मैं वही बोल रहा हूँ एसी लिटरली वो अलग सा स्टिकीनेस क्यों आ रहा है जी। हाँ जो भी घर पे गए एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। तो आगे तो जब हम लोग स्विमिंग पूल खत्म हो गया तो बस आउटरो रिकॉर्ड करने की ताकत थी मेरे अंदर और कुछ नहीं था भाई। वो अरे वो तो छोड़ो, तुम ये लोग तो बैठने वाले लोग थे। ये तो ये बंदा ड्राइव कर रहा है। और मेरे को देखो पहली बात मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे को बचपन से ऐसा है कि मेरे को चक्कर आते या तो मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी हो जाती। नाजुक है थोड़ा, नाजुक नहीं देखो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता वो, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ये है बीसी, अच्छा क्या बीसी लिया तेरी जिंदगी चली जाती नीट के अटेम्प्ट देते देते। मैंने लिया था चले तो मेरे को तेरी जिंदगी चली जाती नीट के अटेम्प्ट देते देते। तो दिया भी किसने? हाँ जो भी है दो अटेम्प्ट तो नहीं लिए। इतना डीप नहीं बोल रहा था भाई, दिल तोड़ दिया आज तूने। चलो ठीक है काट दूंगा इसको। मतलब एक तो चक्कर आते हैं धूप के नजारे और सबसे कमाल की बात हम पांचों में बस इसको ड्राइविंग आती है और वो हाँ वही कि हम पांचों में ये गया तो हम अटक गए। और एक बात तो बोले नहीं, दोस्त नंबर टू ने बोला कि उसको भी आधा छक्का। अरे वो बंदा दोस्त नंबर वन को कह रहा है चल हम मैगी बनाई हमने और पहाड़ पे एक बड़े पेड़ के नीचे ऐसे मस्त आराम से लेट गए हम लोग। तो और उसने बोला कि मैं अब एक काम करता हूँ, थोड़ा ऐसा ये सामान कार में रख के कार का थोड़ा एडजस्ट करके आता हूँ। तो हमने बोला ठीक है, चाबी दी। वो 1.5 घंटे तक कार को 2 सेंटीमीटर हिलाने में लगे उसको। वो तो छोड़ो हिलाने में, वो बंदे को कार खोलने की नहीं आ रही थी। वही ना, और वो बंदा बोल रहा है कि मैं चलाऊंगा, कान फट गई हमारी वहां पर। पहली बात तो आने के बाद सनबर्न हो गया। और वैसे तुमको याद है वो पहाड़ों पे क्या हुआ तुम्हारा डांस, जो भी स्टोरी है रील पे तो चला ही जाएगा। वो वायरल नहीं होना चाहिए, वो ना ही ब्लॉग में आना चाहिए। हाँ, वो तो आएगा एक तरह का स्टोरी में रखेंगे मगर इसमें नहीं। नहीं वो ब्लॉग में डाल रहा हूँ मैं। ना ना मैं मेरा भी डाल दूँ तुम्हारा भी डाल दूँ दोनों की गांड मारी। मेरा मत डाल, तुम तीनों का डालने का। नहीं नहीं अगर करना है तो स्टोरी पे बखूदी करो। हाँ स्टोरी पे करी ठीक है, फिर डाल दो स्टोरी पे। कल एनिमे कल्चर का पेज की तो भी वो करना है, प्रमोशन करना है ना, उसके अंदर भी हाइप बनाना है ना। नहीं मैं तो आ रहे ना अभी। नहीं मैं तो रील, मैं रील, अरे वैसे रील की मांगी चू क्या बात बताओ यार तुमको, मैं रील डालता हूँ फॉलोअर्स कम हो जाते हैं। ये बहन का लोड़ा मैंने इसको कितने बार बोला ये एडिटिंग को ऐसा करो, ये बंदा बोला अभी नहीं हो सकता। अरे तो अभी डाल देता हूँ अगली एडिटिंग में, अरे अच्छा करूंगा। हाँ तो इम्प्रूव कर रहा हूँ ना थोड़े थोड़े से, इम्प्रूव हो रहा ब्रो। मैं कैसा रहता देखो अभी एडिटिंग की थोड़ा स्किल अभी अभी कैसा है देखो, सामने वाले को मैं रील्स पे एक्सपेरिमेंटेशन चला रहा हूं नॉलेज से ज्यादा। तो अभी का फिलहाल देखो रील का ये चल रहा है कि तुम्हारी एडिटिंग मतलब तुम्हारी नॉलेज से ज्यादा वो लोग एडिटिंग को देखते हैं, एडिटिंग मतलब अट्रैक्शन बना ले रहे ना बोल के, रिटेंशन रहना। हां कि मतलब व्यूअरशिप हटना नहीं, उन्हें स्वाइप नहीं करना बोल के। हां तो वो टाइम पे अगर तुम्हारी गंदी शक्ल पहले मुंह पे आ जाएंगी तो उन्हें हटाएंगे ना, व्यूज कम ही होंगे ना। आगे का पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इस पे 30 मिनट की तो बकचोदी यही होगी, इसको थोड़ा बहुत काटना भी पड़ेगा।
और अगला पॉइंट है कि जेजेके वालों ने हक दिया एक तरह से, किसको वापस लेके आए, गोजा गोजो, मेरे को तो जानना भी नहीं यार, गोजा ता गोटा गोटा। हाँ तो उसको वापस लेके आए बकचोदी करे नीचे आए मेरे पापा गालियां मारते हैं तो घर के अंदर चल जाने दो। हाँ तो देखो फिलहाल अभी तो मांगा में गए तो अल्ट्रा प्रो मैक्स वगैरह। अभी मुझे बताओ कि अब क्या लगता है तुमको गोजो अब हारेंगे सुकुना गोजो से? नहीं हारता अभी, अभी वो 5 मिनट के बाद नहीं 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 अभी तो सुकुना हार सकता गोजो से, गोजो से, गोजो नहीं वो टाइम भी यूता है ना, अब यूता उसी कर्स पावर यूज नहीं कर सकता से, वही जो भी है वो यूता से। देखो एक पहली बात तो वो अभी उन्होंने 3 वो रखे वाला है ना कि मतलब तुम 5 मिनट यूज कर सकती या तो तुम जाने इंस्टेंटली मर सकती है, तुझे तुम्हारा जो ब्रेन है ना उसके ऊपर वो रखना पड़ता उसको डालना पड़ता। और एक है कि तुम 5 मिनट बाद मरेंगे, क्यों बोले तो यूता 5 मिनट तक ही रीका के साथ जुड़ा वाला रह सकता। और तीसरा है कि हमेशा के लिए तुम उसके उसमें आ जाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए तो वो रह ही जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा कि मतलब वो जिंदा रह भी रहेगा। नहीं नहीं मतलब अभी 2 चांसेस है कि जब 5 मिनट खत्म हो जाएंगे यूता के तो या तो वो मर जाएगा या फिर परमानेंटली गोजो के बॉडी में स्टक रह जाएगा। नहीं नहीं वो तीसरा है, दूसरा ये था कि मतलब वो 5 मिनट बाद मर जाएगा क्योंकि तो रीका के बाउंड जो रहता ना उसका, तो ऑफिशियली अब मेरा जेजेके से मन उतर गया। वो तो मेरा पहले से उतर गया जब गोजो मरा, बोले तो भाई उसके बाद से कलेशा चालू हो गए, यहाँ यार इन्हें स्लैश मारे की इन्हें मर रहा, इधर मारे की चोसो मर रहा, इसके बाद वारे की माँ की मर गई, क्या ये आ रहा जा रहा है एक नया चैप्टर है कि कोई मर रहा तो उसमें तो क्या मजा आएगा। ठीक है अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि वैसे तो बहुत रिलेटिवली शॉर्ट पॉइंट है कि डीमन स्लेयर जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर नॉन इंग्लिश पे नंबर 1 शो बन चुका है। नॉन इंग्लिश मतलब इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी अवेलेबल शोज है लाइव एक्शन एनिमे सब लॉकडाउन में तो सब नंबर 1 में वही थी ना, थिएटर्स के अंदर बोले तो सबसे ज्यादा कमाल है। हां क्योंकि देखो लॉकडाउन के टाइम में थिएटर्स में एनिमे वालों ने रिलीज करने की हिम्मत करे थे जब कोई नहीं कर रहा था, और वो टाइम पे देखो ऐसा नहीं कि खाली वही छुपी थी इसलिए हुआ, वो टाइम पे क्रिस्टोफर नोलन की क्रिस्टोफर नोलन की नहीं आई थी, ड्यून आई थी, ड्यून आई थी, ड्यून पार्ट 1 आई थी, हां ड्यून पार्ट 1 भी आई थी और चाइनीज मूवीज भी आए थे जो ठीक-ठाक कर रहे थे, लेकिन उनको बीट करी थी एनीमे ने। हाँ लेकिन वो पॉइंट नहीं है अपना, अपना पॉइंट ये है कि नेटफ्लिक्स पे अभी डीमन स्लेयर फुल हाइप में जा रहा है। नहीं तो फिलहाल तो अभी हशिरा ट्रेनिंग बोल के फिलहाल तो मतलब देखो डीमन स्लेयर की मांगा मैंने 2 बार पढ़ ली है, हशिरा ट्रेनिंग बहुत बोरिंग है, अपन इसको स्किप करना। हाँ देखो हशिरा ट्रेनिंग अभी मतलब एपिसोड वाइज चल रही है, जो चल रही है ये सीजन ठंडा निकलने वाला है अपने को मालूम है। सीजन नहीं ये सीजन में भी क्या बोलते इन्फिनिटी 8 एपिसोड रहे भाई, 8 एपिसोड है, 8 एपिसोड है उसमें से 4 तो आ गए। तुम सर्च कर सकते हैं बात, तो फिर एक तरह से देखा जाए तो बस बनाए क्यों, एक मूवी बना लेते इससे अच्छा। पैसा पैसा बोलता है भाई, मनी। हाँ तो मनी काउंटिंग कर रहा है यार बंदा, मनी मूवीज निकालो पैसे। मनी काउंटिंग एनीमे पे आता हूँ, ओशिनोको का सीजन टू 3 जुलाई को आने वाला है, मतलब यहाँ से एग्जैक्ट 1 महीना में 3 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। एक सेकंड, ओशिनोको नहीं सुना तुमने ना? अरे वो आई होशिनो जिसमें वो आइडल वाला जिसमें डॉक्टर मरता है उसका बच्चा बन जाता है, जिनके आंखें अजीब अजीब है, स्टार वाले आंख। अभी 3 जुलाई को रिलीज कर रहे, मतलब आगे आगे मतलब मुझे मांगा के स्पॉइलर से एनीमे फक्ड अप होने वाला है। हाँ ये नहीं, हाँ ये मैंने बहुत इसकी रूमर सुना था, स्पॉइलर भी है कभी और मतलब सीजन स्टार्ट होने के बाद करूंगा मैं। हाँ हाँ मगर फिलहाल अभी बोलो मत, बहुत लोग नहीं नहीं बहुत लोगों ने बोले थे कि इसके अंदर खाली खून खून होने वाला है, खून खराब खून छोड़ो भाई, खून खराब है भी चल जाता है मुझे, मारो चूतिया पे करने वाले हैं अभी ये लोग। हाँ ये जो है आगे जाके ऐसी मतलब ऐसे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट आएंगे कि देखो विलेन सागा के जैसा नहीं करना, पहले खून खराब बता दी फिर बाद में
मुझे वैसे चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़े एक मैच्योर लेवल के एनीमे, इसमें तुम्हारा बस ये क्या देख रहा हूँ मैं वाला एक वो आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब व्हाट द फक मोमेंट, व्हाट द फक मोमेंट आएगा ये क्या है। ठीक है, नया एनिमे एक और आने वाला है कि एल्डन रिंग का एनिमे अनाउंसमेंट आ सकता है इसी मंथ में। ब्रो अगर रूमर्स आ रहे हैं, अगर तुम एल्डन रिंग के फैन हो या तो तुम्हें मालूम है वो गेम कैसा है ब्रो, बहुत डार्क गेम है वो, बहुत डार्क, उस पे डार्क एनिमे बन सकता है। और गेम का एक तरह के तुम एक तरह के तुम्हें ना बीजर से कंपेयर कर सकते हो तुम। देखो एनिमे का कैसा है, गेम एनिमे का मुझे ज्यादा उम्मीद रहती नहीं। गेम देखो फ्री फायर के टाइप नहीं है ये, एल्डन रिंग से इसमें गांड मार देते हैं। नहीं देखो बहुत सारे तो गेम्स, बहुत बड़ा फैंडम है एक तरह का, और जीटीए है, जीटी के बाद हिटमैन है, फिर ये है। नहीं देखो एल्डन रिंग की फ्रेंचाइजी बड़ी है, बट गेम पे जो एनिमे बनते ना, गेम पे जो नहीं तो बात नहीं समझ रहा ब्रो, डार्क सोल और क्या बोलते, तुम बात नहीं समझ रहे। सुनो गेम पे जो एनिमे बनते जनरली उसमें हक देते लोग, ये तो है ना, ये क्योंकि तो देखो साइबर पंक और एज रनर्स और आर्केन छोड़ दिए तुम, तो तुम मुझे एक और एनीमे बता दो जो गेम पे बनी और अच्छी चली। अभी मैटर क्या करता पता है, देखो कौन से स्टूडियो को दे रहे हैं ना। देखो फिलहाल मेरे को भी साइबर पंक का मालूम नहीं था, मदारा ने सजेशन दिया था ना वो टाइम पे, अपन रिकमेंडेशन एनीमे बहुत दिनों से वो भी नहीं किया करना है अभी, तो टाइम पे मैंने देखा था। मैं सही बोलूं तो हर कोई नहीं कर सकता, एकदम परफेक्ट कैसा है। एल्डन रिंग्स का तुम गेम भी खेले ना, उसके एनिमेशन बहुत गॉड लेवल की है। नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम वो उसके अंदर लोग मतलब विलन्सों को पसंद करते कि मतलब उसके अंदर है ना एक तरह के, तुमने रावण मूवी अनबीटेबल विलन्स, हाँ रावण देखे ना, जो हीरो से ज्यादा ताकतवर विलन रहता वो टाइप के है एल्डन रिंग्स। देखो और जो है ये मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, एनिमेशन स्टूडियो में नहीं आती, डायरेक्शन में आती, क्योंकि ये गेम वालों को ये नहीं मालूम रहता कि एनिमे कैसा बनाते, वो एक एनिमे कम्युनिटी की चीज़ है। एक तरह का ऐसा भी नहीं हो सकता कि देखो फिलहाल साइबरपंक एज रनर ने खुद से पैसे तो नहीं दिया कि मतलब तुम बनाओ, सामने जो एनिमेटर्स रहते हैं, जो देखो प्रोड्यूसर रहते हैं, उन्हों राइटर की स्क्रिप्ट लेके आते हैं कि मतलब ये एनिमे ये हमको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दो, हम आपको पैसा देते हैं, आप हमको राइट्स दे दो एनिमे बनाने के, हम आपको ना राइट्स दे दो कि मतलब हम ना एक तरह का एनिमे बना सकते हैं, वो राइट्स आपके पास ही रखो, मगर फिर भी सिर्फ एनिमे का, एनिमे का जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम रखेंगे बस। तो ये बात वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे टेकअप करते हैं इसको। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं कि एमिनेंस इन शैडो का मूवी का, मूवी लॉस्ट एको का ट्रेलर का टीजर ड्रॉप कर दिया है, मतलब टीजर आया है, डेट्स कंफर्म नहीं है, बट अभी जो ये एक मतलब वो नहीं होने वाला है, ऐसा स्पिन ऑफ मूवी नहीं होने वाली है, कंटिन्यूएशन में चलेगी है, जहाँ से स्टोरी खत्म हुई थी उसके आगे मांगा फॉलो करना। मेरे पास स्पॉइलर कैनन है, कैनन स्टोरी है, मेरे पास स्पॉइलर मारूंगा मेरे को देखने का भी। तो अभी जितना मतलब टॉक मत करो, अभी जितना ट्रेलर से समझ आया है कि अपना शैडो जो है अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गया। हाँ भाई ओरिजिनल वर्ल्ड में, उसके पावर्स भी उसके साथ आ गए, ये तो मैं पहले, और पावर उसके वर्ल्ड में लीक कर चुकी है, मतलब वहाँ पे विलन्स उसके वर्ल्ड के है थोड़े बहुत, मैटर ये नहीं है, पावर्स उसके पास आ गए पहले नहीं थे, ये हुआ उसके पास अवेकन हुए बाद उसको मालूम चला कि अपने वर्ल्ड में भी विलन्स है, पहले उसके पास पावर्स नहीं थे। हाँ तो नहीं मुझे बस वाला कौन वैसे का, वो गॉड लेवल एक स्लाइस मारा कि एटॉमिक बॉल ये वो बात शहरी कैरेक्टर है। तो वैसे सुनना तूने मांगा पड़ी है आगे तक, तो ये जो आर्क रहेगा ये वर्ल्ड में, नहीं ये वर्ल्ड में तो ये कितना लंबा आर्क है, एक मूवी में कवर होगा कि इस पे आगे सीजन बनेगा, ये बताओ मुझे। देखो सिंपल सा तुम्हारा एक टॉपिक बोलूं, इसकी मांगा खत्म हो गई नहीं, फिर कैसा आगे, नहीं नहीं मतलब इन्हें बाद में अपने वर्ल्ड में वापस चला जाएगा ऐसा होता है, ये मतलब छोटा सा एक आर्क रहेगा बीच में, ये इधर आया ये वापस जाके फिर वापस, हां यहां का मसला सॉल्व करो, वहां जाओ वहां कुछ वहां, तो देखो मसले क्रिएट होने चाहिए। एक पहली बात तो इसमें बताया वाले नहीं कि उन्हें वापस भी जा सकता, हां तो जो भी है ये तुझे जा सकता है, तुझे, तुझे क्या लगता है कि एक मूवी में कवर कर लेंगे कि पूरा सीजन बनाएंगे? देखो दो दो चीज हो सकते हैं, या तो मूवी में पूरा कवर कर लेंगे आर्क को, क्योंकि आर्क अच्छा है, मतलब आर्क इतना छोटा है क्या कि एक मूवी में निकल जाना, कवर कर ले सकते, तुमने जुजुत्सु काइजन जीरो देखे, उसकी मांगा पड़े
मांगा पड़े ना कितनी छोटी मांगा है तीन पैनल सॉरी तीन चैप्टर की मांगा है नहीं वही ना मतलब ज्यादा है जो भी है लेकिन मेरा बस इतना है कि डीमन स्लेयर वाले हरकत तो हाँ। ये नहीं करते ये नहीं करते लोग बस लेकिन उसका डर है मुझे बस इतना जानना है कि अगर मैं मूवी देख लूंगा तो अगले सीजन में जो है नई चीज देखने को मिलेगी या मूवी से कंटिन्यू होगा अलग आगे की स्टोरी तो डीमन स्लेयर को पैसा कमाना या तो इन मूवी को क्लिफ हैंगर पे छोड़ देंगे या तो मूवी अच्छे से आर्क एंड कर देंगे। एमएचए का सीजन नया एपिसोड देखी हां देखा एमएचए पे थोड़ा मतलब एक दो एपिसोड और कवर होने के बाद डिटेल में बात कर लेंगे मैं बोल रहा मगर मूवी अगर जो जो चीज मांगा में है अगर वो चीज मूवी में आई तो बहुत ओपी मूवी होने वाली है। अब तक देखो सीजन 1 सीजन 2 जो आया उसमें डिसअपॉइंट नहीं करे कैच कर ही नहीं सकते उन्होंने क्योंकि उन्होंने शैडो को इतना पावरफुल बता दिया वाले फायर फोर्स की मूवी आने वाली है सॉरी सीरीज मतलब आगे कंटिन्यू होने वाली सीजन 3 आना सीजन 3 उसके लेकिन रूमर्स चल रहे अभी कंफर्मेशन नहीं आया बस इतना है ब्रो शैडो अभी उसके वर्स का गोजो है देखो आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट नहीं मुझे क्यों लग रहा है अभी सुकुना भी आएगा फिर नहीं इसका राइटर शैडो को पसंद करता है एक तरह का आइजन समझ लो उसको वो बंदा नहीं भी नहीं प्लानिंग करता वो तो ठीक है मारने में विश्वास रखता। आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं जो हमारा फाइनल पॉइंट है कि डन मची का मतलब ये दोनों को नहीं पता लेकिन बहुत अंडररेटेड एनीमे है उसका सीजन 5 आने वाला है 2000 डन मची मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हो उसको तुमको डन मची बोल के नहीं मिलेंगे वो इज इट नहीं इज इट रॉन्ग टू पिक अप गर्ल्स इन अ डंजन उसको शॉर्ट में लोग डन मची बोलते हैं अरे कुछ और आ जाएगा नहीं यार बराबर आता तू गूगल पे अरे नहीं मतलब लेकिन बहुत एडवेंचर अच्छा सोलो लेवलिंग हां वैसा समझ सकते हैं हरम ही चुनाव सोलो लेवलिंग हरम है शराब है क्या थोड़ी हां ये देखा है अरे एक सेकंड ये रील्स में बहुत चलता था हां तो अरे मतलब हाँ ये काफी अरे, अच्छा अरे ये देखा मैंने देखा देखे ना वो एक बड़ा सा गड्ढा रहता है नीचे अंदर मॉन्स्टर्स रहते हैं हाँ, वही 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 एक लड़का मतलब... एक उसकी माँ बाप गिर जाते हैं अंदर तो नहीं इसका मतलब स्टोरी का प्लॉट ऐसा है कि एक थोड़ा मतलब एक लड़का रहता है जो अपने ग्रैंडफादर के वैसा ग्रैंडफादर के साथ रहता देखा देखा ये इसको बनना रहता है एडवेंचरर और इसका जो वर्ल्ड रहती इसमें बेसिकली गॉड्स ह्यूमन के वर्ल्ड में आए और अपने अपने गिल्ड्स बना लिए कि उनको मतलब जो प्रे करने वाले लोग हैं वो उनकी साइड से डंजन में जाएंगे डंजन क्लियर करेंगे वैसा एक सेकंड ये सेम चीज एक डार्क एनीमे में भी था ये मतलब थोड़ा अच्छी एक, बहुत नहीं, अच्छी नहीं, हाँ एक सेम चीज थी जिसके अंदर मतलब दो बच्चे रहते 12 या तो 11 साल के वो लोग सेम करते कि बोले थे एक डंजन टाइप एक बड़ा सा कुआं टाइप गड्ढा रहता अरे वो मेडियन अभी से यार हाँ वही मेडियन अभी वो टाइप सेम दिख रहा ना सुनने में भी नहीं नहीं ये मतलब अलग है ये बहुत अलग है वो बहुत डार्क है भाई एक तरह का क्या बोलते हैं ये तुम मतलब काइंड ऑफ इसेकाई के वैसा समझ सकते हैं इसको लिटरली वही है दो बंदे रहते तब पहले मेरे दिमाग में तोमोदाची आया नहीं तो फ्रेंड वाला वो फ्रेंड में भी दो बंदे रहते हैं डार्क भी है एनीमे वो फिर उसके नहीं, बाद ये बंदा जो है थोड़ा अलग साइड चले गया वो बहुत अलग नहीं तुम जैसा अभी एक्सप्लेन करे ना वो टाइप का मैं वो समझा रहे सेम हाँ, भी एनीमे तो इसका सीजन 5 मतलब देखो 4 सीजन आ चुके हैं और हर साल पिछले साल ही आया था 4 सीजन तो उसके हिसाब से अच्छा चल रहा है एनीमे वैसे पूरा एनीमे कैसा बनता है उस पर भी एक डिटेल वीडियो डालने का सोच रहा मैं एनीमे कैसा बनता हां हां आने में बनता कैसा छी नहीं समझ मतलब एक तरह का मतलब आने में बनता कैसा कि एनिमेशन कैसा बनता एनीमे कैसा बनता पूरा मतलब प्रोसेस क्या रहता बिहाइंड द सीन्स तो पहले तो मांगा निकलेगी नहीं तुमको क्या लगता है कि पहले तो आइजा देगा एक हां पहले आइजा देगा एक 12 एपिसोड का एनीमे बनाने को कितने का बजट लगता होगा नहीं एक एपिसोड बोले तो कुछ भी क्या बोलते 136 बोले तो पर के डॉलर ड्रैगन बॉल से एक एपिसोड को लगता हां तो एक 12 एपिसोड का एनीमे बनाने को कितने अपने इंडियन रुपीस में कितना लगता होगा मान
अंदाजा लगाओ, मतलब मैं जो है सिर्फ एनिमेशन बनाने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन कंपनी अपलोड वो सब बोल रहा हूँ। देखो 80 हाँ सब एक, देखो अगर इसमें देखे तो ड्रैगन बॉल जी के हिसाब से 1,20,00,000 रुपए लगते एनीमे बनाने, एनीमे बनाने को नहीं एक एपिसोड बनाने। देखो एक मतलब ये जो है मैं खुद से नहीं बोल रहा, रिसर्च किया, प्रॉपर कैलकुलेशंस है, बताने वाले को अगले टाइम बताने वाले, खाली एक ट्रेलर दे लो समझ लो वीडियो का, मतलब एक टॉपिक, हाँ एक 12 एपिसोड का एवरेज एनीमे में बोल, डिमन स्लेयर लेवल का नहीं, शॉर्ट डालने वाले की ये डालने वाले, पूरी फुल वीडियो है, बहुत लंबी होगी, मतलब एक 5 नहीं देखेंगे, सुनो ना, नहीं सुनो सुनो सुनो, 12 एपिसोड का एवरेज एनीमे में बोल रहा, 2024 में बनाने को 40 से 160 करोड़ इंडियन रुपीस लगते, हाँ ना लगते ना, साउंड प्रोडक्शन स्टूडियो रहता, डबिंग स्टूडियो रहता, एनिमेटर रहते, डायरेक्टर को हेंटाई बनाने को, हेंटाई तेरे को क्या लगता है, हेंटाई को कम खर्चा लगता, बहुत लगता है ब्रो, अपने एनिमे से ज्यादा उसमें भी हो रहे थे, एनिमेशन रहती, बॉन्सी बॉन्सी दिखाने दो भाई, तुम सोचो कि किसी को एक एनिमेटर की जॉब यही है कि हेंटाई को देखो और जा जा लंड दिख रहा ब्लर करते जाओ, नहीं ये किसी की जॉब है, एक अनसेंसर्ड वाला भी आता तुमको आता ही नहीं, ये जो है अनसेंसर्ड वाले भी ये जो है ना लंड बनाते हैं, ये एक बंदे के घर में, ये किसी के घर में पेट पल रहा है क्योंकि वो एक लंड पे जो है ब्लरिंग कर रहा है बस। चलो आगे, हाँ तो दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट, आगे वीडियोस के लिए देखते रहो और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, बाय।